गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम चैप्टर एंड टॉपिक कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम द हेल्थ एंड डिसीज। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस रिलेटेड टू द हेल्थ एंड डिसीज, स्पेशली नोजियोलॉजी वेयर वी हैव डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन ऑफ द डिसीज। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इटियोलॉजी विच डील्स विद द प्रॉपर स्टडी ऑफ द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिसीज। तो जो भी कॉजेस है वो भी हमने पढ़े हैं, फिर उसके बाद में उनका क्लासिफिकेशन भी हमने डिस्कस किए हैं। आज हम एक और छोटे से टॉपिक को टच करेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो मैंने आपको पहले दिन बताया था, एपिडेमियोलॉजी, जिसकी हमें डेफिनेशन हमने दी थी कि दिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मीन्स हाउ द पैथोजन एंटर्स इन द बॉडी, हाउ हेल्दी बॉडी विल गेट इन्फेक्टेड देयर, एंड हाउ द पैथोजन कैन मेक देयर एंट्री इन टू द हेल्दी बॉडी। तो इस तरीके से हमको आज इस यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करना है। तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। दोनों टाइप्स में जो पहला टाइप मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ, एक है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा अगर हमको यहाँ पे नोट करना है तो हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है या फिर उसका मीनिंग हम कैसे बता सकते हैं? तो अगर कोई भी पैथोजन किसी इन्फेक्टेड पर्सन से या फिर किसी कैरियर पर्सन से किसी भी इंटरमीडिएट होस्ट की मदद ना लेते हुए विदाउट एनी इंटरमीडिएट होस्ट अगर वो कैरी किया जाता है, वो ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर जिसका इन्फेक्शन किसी हेल्दी बॉडी को हो सकता है, ऐसे ट्रांसमिशन को हम जनरली डायरेक्ट में इंक्लूड करेंगे। मीनिंग समझ में आ रहा है आप लोगों को कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मीनिंग होता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन इनटू द हेल्दी बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट और कैरियर। किसी भी तरीके का कैरियर एनिमल नहीं रहेगा, कोई इंटरमीडिएट एनिमल नहीं रहेगा, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा, लेकिन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के तरफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से, इंटीमेट कॉन्टैक्ट की वजह से आप देखोगे पैथोजन का ट्रांसमिशन एक इन्फेक्टेड बॉडी से एक हेल्दी बॉडी की तरफ दिया जाता है। तो इसमें फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग फिर मोड्स हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में पैथोजन की एंट्री डायरेक्टली हेल्दी बॉडी में दिखानी है तो पहला जो मोड हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं वो है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो मैंने अभी बताया था कि इन्फेक्टेड पर्सन को जनरली हम कैरियर बोल सकते हैं, जिसके बॉडी के अंदर वो जो पर्टिकुलर डिसीज जो है वो स्प्रेड हो चुका है, उस इन्फेक्शन की स्प्रेडिंग वहाँ पे हमको दिख रही है। तो कंसिडर करो कि कोई एक आधा पर्सन जो इन्फेक्टेड है, जिसको डिसीज ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर हम आते हैं तो स्पेशली वहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के जो डिसऑर्डर्स है वो ट्रांसमिट होने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कंसिडर करना है तो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो स्मॉल पॉक्स का, ठीक है, यहाँ पे आप लेप्रोसी का एग्जाम्पल ले सकते हो, जो कि आपको पता है कंटेमिनेशन के बाद में जनरली एक कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उस इन्फेक्शन को शिफ्ट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझना पड़ेगा कि अगर किसी पर्सन के फिजिकल कॉन्टैक्ट में अगर हमारा कॉन्टैक्ट होता है तो उस टाइम पे हम देखेंगे ये जो पैथोजन्स रहेंगे डिफरेंट डिसीजेस के, ये आपको ट्रांसमिट होते हुए दिख सकते हैं। वैसा ही एक अगर कंपोनेंट कंसिडर करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे सिफाइलिस नाम का एक डिसीज है, ठीक है, ये जेनाइटल डिसीज से रिलेटेड होता है, रिप्रोडक्टिव डिसीजेस में हम इनको पढ़ने वाले हैं, आपने भी सुना होगा इसके बारे में। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से कहीं ना कहीं ये दूसरे पर्सन में या फिर हेल्दी पर्सन में शिफ्ट हो सकता है। तो उसमें बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप्स के पॉजिटिव एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मीनिंग आपने क्या कंसिडर करना है यहाँ पे कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है फिजिकली तो स्पेशली वहाँ पर ट्रांसमिशन के चांसेस आपको ज़्यादा दिखेंगे। कम टू द सेकंड पॉइंट ऑफ द डायरेक्ट ट्रांसमिशन हियर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, यहाँ पे हम क्या करते हैं जनरली हमारे बॉडी के कुछ कंटेंट्स को हम बाहर रिलीज करते हैं। स्नीजिंग के टाइम पे क्या होता है, हमारे नेजल चेंबर से या फिर नेजल कैविटी से वाटरी मटेरियल के साथ में, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, उसके साथ में क्या होता है कुछ एयर पार्टिकल्स को भी हम जनरली रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं फोर्सफुली। तो अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो चुका है, कंसिडर करो कि किसी पर्सन को अगर कॉमन कोल्ड है या फिर कोई फीवर आया है या फिर कोई नेजल कंजेशन से रिलेटेड अगर कोई एबनॉर्मेलिटी शो हो चुकी है, तो वो पर्सन अगर स्नीजिंग या फिर
कफिंग शो करता है तो फिर फाइनली हम देखेंगे वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होने के चांसेस है। जैसे अभी आप रिसेंटली अगर देखोगे तो कोरोना वायरस का स्प्रेडिंग हो चुका है, COVID-19 नाम का डिसीज़ अभी थ्रू आउट वर्ल्ड जो बहुत ज़्यादा दिख रहा है स्प्रेड होते हुए, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली वो अफेक्ट कर रहा है। उसमें भी आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स वहाँ पे बताए जाते हैं, स्नीजिंग और कफिंग भी होता है तो वहाँ पे ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा है। आप देखोगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई भी दो पर्सन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस के बाद में भी आप देखोगे इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के पॉसिबल चांसेस हैं, जो कि आप जनरली अभी COVID-19 में भी देख सकते हो। तो स्पेशली ड्रॉपलेट का मतलब क्या है कि अगर हमारे स्नीजिंग से या फिर कफिंग से हमारे ही म्यूकस का या फिर हमारे सलाइवा का कोई कंटेंट थ्रो होता है और वो थ्रो होने वाला कंटेंट उस इन्फेक्शियस मटेरियल के साथ में अगर रहेगा तो मे बी दैट विल शिफ्टिंग दैट पैथोजन टू द नेक्स्ट हेल्दी बॉडी। तो ये आपने सेकंड वाला कंपोनेंट ध्यान में रखना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे स्नीजिंग और कफिंग एक मेन बैरियर कंसिडर किया जाता है, जहाँ पर स्पेशली हम क्या देखेंगे कि अलग अलग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हमको कंसीडर करना है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये बैक्टीरियल डिसीज है, जो स्पेशली आप देखोगे स्नीजिंग और कफिंग से कहीं ना कहीं ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो एक एग्जांपल आप वहाँ पे भी ध्यान में रखते हो। देन कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज कॉन्टैक्ट विथ सॉइल। आपने एक बेस्ट डिसीज वहाँ पे सुने होंगे जिसको हम बोलते हैं टेटनस, ठीक है, टेटानस टेटनस आप प्रोनाउंस कर सकते हो। ये भी बैक्टीरियल कंटेंट होता है स्पेशली। तो होता क्या है देखो, सॉइल के कंटेक्ट में जब छोटे बच्चे खास करके खेलते हैं या फिर कोई बड़े लोग जो हमेशा सॉइल के कंटेक्ट में आते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले, तो कंसिडर करो कि ये जो टेटनस का जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी करके, ये अगर उस सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो उसी सॉइल का कॉन्टैक्ट अगर हमारे बॉडी के किसी वुंड को या फिर किसी इंजरी को या फिर किसी कटेड पोर्शन के साथ में होता है तो डायरेक्टली वहाँ पर ट्रांसमिशन होने के चांसेस होंगे। मतलब वो सारे सॉइल पार्टिकल जिसके अंदर वो बैक्टीरियल कंटेंट है, वो सॉइल हमारे वुंड या फिर इंजरी के कॉन्टैक्ट में आता है और फाइनली हम देखेंगे सॉइल के कॉन्टैक्ट की वजह से डायरेक्ट इन्फेक्शन जो है उस पर्सन को लगने के चांसेस रहेंगे। तो ये भी एक डेंजरस ट्रांसमिशन का मोड कंसिडर किया जाता है। तो टेटनस का एक एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए, या फिर आप यहीं पे ब्लड पॉइजनिंग भी कंसिडर कर सकते हो कि ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट भी अगर किसी पर्सन के सॉइल के साथ में होता है तो भी आप जो वहाँ पे ट्रांसमिशन के चांसेस दिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे एनिमल बाइट, ये तो इसके लिए वेल नोन डिसीज आप लोगों को पता है, रैबिट एनिमल द डिसीज इज रेबीज, ठीक है, एग्जाम्पल कंसिडर करना है तो सिर्फ डॉग नहीं, इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं जिसके बॉडी के अंदर, जिनके सलाइवा के अंदर अगर हम देखेंगे कि वो रैबिज का जो वायरस होता है वो वायरस अगर प्रेजेंट है और वही एनिमल अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है। बहुत सारे लोगों के घर में आपने देखे होंगे पेट एनिमल्स होते हैं, डॉग या फिर कैट होता है, तो कभी कभी खेलते वक्त भी उनका बाइट हो जाता है। और बाय चांस कंसिडर कीजिए कि अगर कोई वो एनिमल इन्फेक्टेड होगा ऑलरेडी, वो कैरियर अगर होगा तो उस पर्सन को जिसके साथ वो खेल रहा है इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं बाइट करता है और उस रैबिड वायरस को जो है ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रह सकता है। तो यहाँ पे आपने देखे होंगे हाइड्रोफोबिया जैसे कंडीशन जनरेट होती है, जो कि जनरली वाटर से ब्रीथिंग कैपेसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, ये भी एक आपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ध्यान में रखना है रेबीज वायरस के लिए। फिर हम देखेंगे थ्रू प्लासेंटा, इसके लिए तो वेल नोन एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं हमेशा HIV का ट्रांसमिशन, जिससे एड्स हो सकता है। अभी जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था सिफाइलिस, इसका भी बैक्टीरिया जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट हो सकता है, जिसको हमने बताया था ट्रिपोनेमा पैलिडम करके पॉजिटिव फैक्टर होता है, पॉजिटिव एजेंट होता है बैक्टीरियल, वो कहीं ना कहीं प्लासेंटा को क्रॉस करता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी में इन्फेक्शन अगर प्रेजेंट है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि वो HIV इन्फेक्टेड है, HIV कैरियर है या फिर पेशेंट है, तो फिर क्या देखेंगे हम उनके न्यूबॉर्न चाइल्ड को अपने आप माइक्रोसाइज होने के वजह से वो पर्टिकुलर पैथोजन जो है इजीली ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो HIV वायरस जिससे एड्स होने के चांसेस है उसका भी ट्रांसमिशन कहीं ना कहीं प्लासेंटा होता है। तो आप ये जो पूरा देख रहे हैं लिस्ट आउट किया हुआ पैटर्न, इसमें कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट विद सॉइल, देन एनिमल बाइट एंड थ्रू द प्लासेंटा, इन सब में कॉमन क्या है,
तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा उस पर्सन के डायरेक्ट कैजुअल कॉन्टैक्ट से अगर कोई पर्सन आता है तो हम देखेंगे ट्रांसमिशन के मैक्सिमम चांसेस वहाँ पे दिखने वाले हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मीनिंग आपने ध्यान में रखना है, इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और पेशेंट विल ट्रांसमिट द पैथोजन टू द हेल्दी बॉडी और नेक्स्ट बॉडी। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में फिर से वहां पे कुछ मोड है, तो सबसे पहला मोड हम यहां पे डिस्कस करेंगे वेक्टर बॉर्न। ठीक है, वेक्टर का मतलब क्या होता है जनरली, तो यहां पे अब मोस्ट ऑफ द टाइम वेक्टर जो है आर्थ्रोपोड्स को इंक्लूड करोगे, जिसमें ये एग्जांपल हो सकता है हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखोगे रैट फ्ली, इनके भी थोड़े बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। हाउस फ्लाई टाइफाइड जैसा डिसीज जो है, आपको पता है कि हाउस फ्लाई थ्रू आउट पार्ट कहीं पे भी घूम सकती है, तो अगर बाय चांस कंटेमिनेटेड फूड है और वहाँ पे अगर वो हाउस फ्लाई अगर जाके बैठ गई है और उस कंटेमिनेटेड फूड का कॉन्टैक्ट अगर उसके लेग के साथ में होता है, तो फाइनली हम क्या देखेंगे, वो कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन के बॉडी के ऊपर जा सकता है या फिर दूसरे पर्सन के कंटेमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो टाइफाइड कॉलरा जैसे डिसीजेज जो है वो हाउस फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, उनके लेग्स को चिपक के जो पैथोजन है वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट किया जाता है हमारे फूड की तरफ या फिर वाटर की तरफ। मॉस्किटो का वेल नोन एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पे लिख सकते हैं, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये जो फीवर की जो कंडीशंस होते हैं ये मॉस्किटो के थ्रू। आपने नाम सुना होगा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो है, एडिस मॉस्किटो है, ठीक है ना। तो मलेरिया, डेंगू, इस तरीके के फीवर कंडीशंस या फिर डिसीज कंडीशन जो है वो वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। रैट प्ले के लिए एग्जाम्पल अगर कंसिडर करना है, यहाँ पे आपने सुने होंगे प्लेग, ठीक है, इसका ट्रांसमिशन रैट के बॉडी के ऊपर जो फ्लाई रहती है उसकी वजह से ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, टाइफाइड और कॉलेरा, समझ में आ रहा है। तो ये हमारी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का पहला टाइप रहेगा वेक्टर बॉर्न डिसीज के लिए, जो आर्थ्रोपोड्स मैक्सिमम रहेंगे, और फाइनली हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, रैट प्ले जैसे एग्जाम्पल्स को आप इन नंबर ऑफ डिसीजेस के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल दिखा सकते हैं। तो आज यहीं पे रुकेंगे और जो भी डाउट्स निकलते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते जाइए और बाद में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।